प्लांट के लिए पूरे देश से इंदौर में माँ अहिल्या की नगरी में पधारे सभी मित्रों का मैं स्वागत करता, अभिनंदन करता, आप सबको नमस्कार भी करता। मंच पर उपस्थित सभी हमारे आपके एसोसिएशन के पदाधिकारी, हमारे माननीय विधायक, महापौर, मंत्री, समूचा मंच और आप सब, मैं पहले तो विलंब से आया इसकी क्षमा भी चाहता हूं। मैं कोशिश कर रहा था कि समय पे आऊं, लेकिन हमने कहा मैं कोशिश करने में थोड़ा सा नाकाम रहा, लेकिन एक पक्का था कि आने का वादा किया तो मैं आया जरूर। हेलो भैया, आज आप जिस पवित्र उद्देश्य से 3 दिन की एक नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। मैं अभी आपके एसोसिएशन के हमारे प्रोफेसर साहब से पूछ रहा था कि आपने दांत के एलोपैथी की दृष्टि से पहले डॉक्टर कौन थे, तो उन्हें देश का नाम तो बता दिया, अहमद साहब 1905 में उन्होंने अपनी दंत चिकित्सा की विधा में अपनी विशेषज्ञता लेकर के काम चालू किया। इम्प्लांट करने की पद्धति कब चालू हुई तो मुझे बताया 1982 से चालू हुई, मैं सही हूं ना? और आज जिस दौर में हम पहुंचे हैं, वैसे तो ये इतनी अच्छी इंडस्ट्री है, इतना बड़ा काम, दांत तोड़ने की बात तो सब कहते, लगाने वाले बहुत कम मिलते हैं, ये हमारे लिए आज भी किसका दांत कब तोड़ दे वो तो तोड़ दे, लेकिन दांत को यथायोग्य बना दे ये भी बड़ी बहुत अलग दुनिया है। और ऐसे में आप तो और अच्छी दुनिया से निकल के आए, जिसमें आपने खड़े होकर के वो बड़ा खराब लगता था, नकली दांत लगाओ फिर निकालो फिर साफ करो वापस लगाओ, कहां चक्कर में पड़े, इम्प्लांट कराओ भूल जाओ बताओ करके कौन सा किसका है, नकली भी इतना अच्छा लगता कि असली को मात कर देता है। और अब आप तो और आगे बढ़ गए, ये और मजा आया जब आपने, मैं भी आपकी इस प्रदर्शनी में घूम रहा तो ये शाकाहारी दांत लगाने का भी अभियान चला, ये और आनंद आया। अभी तक दांत के क्रम में शाकाहारी मांसाहारी का अंतर नहीं समझते थे, लेकिन ये अच्छी बात है। हमने कहा हमारे पास इम्प्लांट करने का ऐसा आइटम है, वो छोटा है, वो आप जो लिक्विड डालते वो मांसाहारी रहता है, और किसी शाकाहारी को बताओ कि तेरे इम्प्लांट करने में ये मांसाहारी डल रहा तो दांत नहीं लगाएगा वो, लेकिन ये विधा है, ये आनंद है, भगवान की दया है। और ऐसे में जब आप यहाँ माँ अहिल्या की नगरी में आपके विचार विमर्श के लिए बैठे, आने वाले समय में खासकर यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो, हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जो लगातार इनोवेशन के लिए, नवाचार के लिए, नवीन तकनीक के लिए और इतने अलग अलग प्रकार की विधाओं को प्रोत्साहन देते हैं। मैं मनोहरलाल जी खट्टर से मिला था अभी थोड़े दिन पहले, उन्होंने बताया हरियाणा के अभी वो मुख्यमंत्री रह करके अभी अपने स्थानीय शासन मंत्री 1996 में मोदी जी से वो पहली बार मिले, वो उस समय की बात बता रहे थे, बोले वो एम्बेसडर में आए, उस समय वो कंप्यूटर लेके आए, बोले मेरे तो पल्ली नहीं पड़ेगी कंप्यूटर क्या होता और कैसी हमने दुनिया देखी। अब कितनी सहज और छोटी बात लग रही है, लेकिन बदलते दौर में इन सारी बातों का क्या महत्व है। आज के इस दौर में दांतों की दुनिया को लेकर बहुत बड़ा स्कोप, मैं अपनी सरकार की बताना चाहूंगा आपको, क्योंकि आपके माध्यम से बात दूसरी जगह भी पहुंची, हमने बहुत सारे नवाचार किए हमारी सरकार में आते, जैसे हमने हमारी सरकार बनाई, सरकार बनाते हमने एक तो पहले हेल्थ मिनिस्ट्री अलग, हेल्थ एजुकेशन मिनिस्ट्री अलग, हमने कहा ये क्या नाटक है, हेल्थ और हेल्थ एजुकेशन तो एक ही चीज होना चाहिए, अनावश्यक पैसे क्यों लगना चाहिए, तो हमने आते ही दोनों मिनिस्ट्री को एक कर दिया। यह मध्यप्रदेश में हमने प्रयोग किया और इसके पीछे दूसरा भाव ये है कि पूरी एकाग्रता के साथ हमारी हेल्थ की सुविधा भी प्रॉपर मिले और एजुकेशन में भी वो सब हो, जिसके लिए हम सब वास्तव में यहाँ बैठे हैं। कुछ और प्रयोग भी किए गए जिसके आधार पर बता सकते हैं, लेकिन हमने तो अभी एक संकल्प और भी लिया है कि हमारे यहाँ अपने पूरे देश के अंदर
आयुष्मान कार्ड के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करो, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का 5 लाख तक का आयुष्मान, और अब तो 70+ के ऊपर कोई जाति समाज कोई भी वर्ग किसी क्षेत्र का हो सबको 5 लाख तक का। मैं अभी उसमें आयुष्मान में यहाँ अधिकारी बैठे हैं, शायद दांत वात का इलाज नहीं है उसमें, तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ज्ञापन वापन तो किसी को दिए ही नहीं। भारत की स्कीम है, लेकिन ये इसलिए मैं इसको महत्ता मानता हूं, मैं रिकमेंड करूंगा, ये पक्का है आपके साथी में। ये इतनी आवश्यक चीज भी है जिसके आधार पर दांत के साथ दाढ़ का क्या महत्व है वो तो इम्प्लांट वाले ही बता सकते हैं। दाढ़ का आनंद जो है, और वो दाढ़ तो अकल दाढ़ से चालू होती थी, अकल दाढ़ पुराने जमाने में कहते ना कि उम्र के बाद आती, कितनी उम्र के बाद आती? 18 के बाद ही आती, 18 में वोट देने लग जाता आदमी, ठीक है हमारी लाइन का आदमी मिल जाता। तो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आपके सर्टिफिकेट की जरूरत है, अक्कल दाढ़ आई तो वोट देगा, नहीं तो देगा ही नहीं। ये कितना सुखद संयोग, क्या क्या रास्ते निकाले भगवान ने, हमारी लास्ट लाइन डिसाइड कर दी। मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा दो तरह से, एक और कारण से। एक तो हमने अपने आयुष्मान धारी, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन अपोजिशन के हमारे कई नेताओं के घर में अपने हेलीकॉप्टर से वो उतरते और उड़ते थे, ऐसे लोग भी हैं हमारे देश में भी कई लोग मिले। लेकिन हमारी सरकार ने एयर एम्बुलेंस की सुविधा प्रत्येक आयुष्मान धारी कार्ड को अगर जरूरत लगती उसको लिफ्ट कराने की व्यवस्था हमारी सरकार ने इसे मंजूर की है। हेलीकॉप्टर पे एयर एम्बुलेंस पे गरीब का हक होना चाहिए, हर एक जरूरतमंद का, केवल कलेक्टर और डॉक्टर डिसाइड कर दे कि हाँ इसको ले जाना चाहिए, इसको कहीं और उन्नत चिकित्सा की व्यवस्था में मदद करना चाहिए, हमने शुरू किया। कई सारी और योजनाओं में से एक योजना आपको बता करके मुझे और कार्यक्रम में जाना, मैं बोलने के लिए बहुत देर तक बोल सकता हूँ, लेकिन हमने हमारी हेल्थ पॉलिसी लेकर आए और चिकित्सा नीति के माध्यम से आपका हमारे अपने शरीर में देता है। और वैसे तो मानव की क्षमता के बारे में कहा गया है कि अपार क्षमता, ऐसे में हम अपने अपने जितना जो कर सकते हैं और खास करके अपने हाथ से कमा खा करके दो रोटी तो कोई भी कर लेगा, लेकिन मेरे काम से 100 लोग पेट पाले, ये है सच्चे अर्थों में जीवन। और आपके माध्यम से कई लोग जीवन अपना गुजर बसर करते हैं, जोरदार अभिनंदन करें ऐसे अपने पवित्र भाव के। मैं व्यापारी वर्ग का इसीलिए खास सम्मान करता हूँ, व्यापार के कारण से, व्यापारी के भाव से लोग अलग प्रकार से होंगे जो उनके बारे में पता नहीं क्या कहते, लेकिन ये मैं मान के चलता हूँ कि व्यापारी भाव ये हमारी सच्चे अर्थों में वर्तमान की मानवता को स्थापित करने वाला भाव है, जो पहले कई कई प्रकार से इसकी सदैव एक अलग पहचान भी रही है। कई सारी चीजों की निर्भरता व्यापार व्यवसाय के माध्यम से चलाने वालों के लिए, अपना कुछ परिवार पालने के लिए वो व्यवस्था करता अलग बात है, लेकिन सभी व्यवस्थाओं के सुसंचालन के लिए जो बड़ा रोल अदा करता है। और उस नाते से हमने देखा भी है कि काल के प्रवाह में हमारी थोड़ी असावधानी हुई तो अंग्रेज भी व्यापारी बन के आए, जिसने हमारी उस कमजोरी का लाभ उठाया, जिस कमजोरी के कारण से हमने अपने अतीत के उस कालक्रम को भूला। लेकिन जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा, वो अतीत के कालक्रम में भी हमारी उद्यमशीलता, जिन्हें दुनिया के अंदर भारत की उद्यमशीलता 2000 साल से लगा करके 300 साल पहले तक पूरे दुनिया के अंदर हमारे और हमारे बाद चाइना दोनों ने पूरे देश के अंदर व्यापार व्यवसाय का 90% हिस्सा पूरा कवर किया हुआ। लोग वास्को डी गामा और पता नहीं किस किस के नाम लेते हैं, लेकिन ये सब भी व्यापार के बहाने आए, मैं आज उसको दोहराना नहीं चाहूंगा उस बात को। लेकिन हमारी अपनी बौद्धिक क्षमता के बलबूते पर हमारे अपने जो यहाँ संसाधन को बढ़ाने के लिए और नवीनतम तकनीक के आधार पर आज के दौर में भी यशस्वी प्रधानमंत्री यही तो प्रोत्साहन दे रहे हैं, तो यही कारण है एक के बाद एक इस प्रकार से हमारे अपने नवाचार चल रहे हैं।
इसी कारण से 2014 की 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था आज हमारी 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था के रूप में चुनाव में गए और एक साल से कम समय में हम 4थे नंबर पे आ गए। ये है मोदी जी का सुशासन और ये है भावना को बढ़ाने के लिए। सरकार ही सब कुछ करेगी ये पर्याप्त नहीं, तो टीनू भाई मैं पूरी टीम को आपको बधाई देता हूँ। समाज ही आगे आएगा और व्यापार व्यवसाय में अपने सभी प्रकार के नवाचार को भी प्रोत्साहन देगा, स्टार्टअप को प्रोत्साहन देगा और व्यापार व्यवसाय के माध्यम से हम अपने इस मूल धर्म को भी बढ़ाएंगे, जिसके कारण से मैंने पूर्व में व्याख्या की है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर जब मैं जरा संचालन करने वाले और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दोनों ने तारीफ कर दी कि हमने सीएम हाउस में क्षमावाणी का पर्व, मैं अपने आप को धन्यवाद का आपको प्रणाम करता हूँ। सच्चे अर्थों में मेरे पे आप लोगों ने कृपा की, इतना जैसा हमने निमंत्रण बना जो निमंत्रण बना, लेकिन क्या दिल खोल के आए घर पे, आनंद आ गया यहाँ से वहां तक। पूरे प्रदेश से हजारों की संख्या में लोग भोपाल के निवास पे आए। अब ये अलग बात है कि मैं उस अहंकार को नहीं पालता कि मेरे निवास का है, मेरे निवास पे नहीं आए। आपने जो विश्वास व्यक्त हमारे और हमारी संस्था के साथ किया, जिसको राजनीतिक दल के नाते से भाजपा कह सकते हैं, उस विश्वास को कायम रखने के लिए हम सब वहीं तक हैं। और जो मूल काम है हमारी अपनी भावना, इतने शासन के साथ साथ जीवन की रचनाओं में छोटे छोटे संस्कार, जिस संस्कार के बलबूते पर इकबाल ने कहा कि कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, ये कुछ बात वो संस्कार में आती है। ये हमारा लचीलापन, दुनिया में कई देश, रोम, यूनान, मिस्र, इतने बड़े बड़े देश थे, लेकिन अपने अकड़ में उसके जैसे कड़क और समय के प्रभाव में टूट गए। भारत ऐसा अपना लचीलापन बनाए रखा कि जिसके बलबूते पर वो हर स्थिति में निकल गया। मैं मान के चलता हूँ हमारे यहाँ वीर से महावीर बनने का जो रास्ता है वो विनम्रता से आता है। क्षमावाणी का पर्व उसे आनंद से आपने सराबोर किया, और ये जो हमारे मन में बड़ा आदमी छोटे आदमी से क्षमा मांगे, ये संस्कार है। छोटा तो बेचारा हाथ जोड़ते ही रहेगा, लेकिन अपने अंदर अपने अहंकार को स्थान न देते हुए जीवन में हमारे सभी कामों के लिए जो काम मिल जाए आनंद के साथ करें। और इसी अवसर पर मैंने वहां कुछ घोषणा की थी हमारे बीच में से, ऐसे अपने साधु संतों के लिए, जैन समाज के हमारे दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, सभी के लिए वो कहीं भी विहार करें तो सरकारी कोई भी भवन रहेगा, पंचायत का हो, नगरी निकाय का हो, निःशुल्क हम उपलब्ध कराने की मैंने उचित घोषणा की। हमारे अपने साधु संत तो परमात्मा की दया से जीते जी हमारे आंखों के सामने देवता स्वरूप रहते हैं। हमने अपने जीवन में देवता भी देखे, लेकिन देवता वो जो देने के भाव रखे, और देने के भाव रखते रखते वो हमसे संवाद करते हैं, हमारी गलतियों को क्षमा करते हैं, हमका हमारा मार्गदर्शन करते हैं, वो हमको सीख देते हैं, हम उनसे सीख पाते हैं। और इसी कारण से आज हमारे कई सारे कारणों से हमारे समाज की ये संस्कृति बची हुई है। आज के इस अवसर पर बिजनेस फैक्ट्री के एक्सपो 2024 का स्टार्टअप कॉन्क्लेव का मैं एक बार फिर बंदे शासन की ओर से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आपको बधाई देता हूँ। अखिल भारतीय जैन श्वेतांबर सोशल ग्रुप फेडरेशन व्यक्ति संगठन और संगठन से सेवा, आपका ध्येय वाक्य भी बहुत अच्छा, इस ध्येय वाक्य में ही सब कुछ छिपा हुआ है। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, भारत माता की जय।